स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख पौधे लगाएगा। बता दें कि आईएमए के सहयोग से 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। पौधारोपण को स्वास्थ्य विभाग भूमि का चयन कर रहा है। एक बार फिर बता दें कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाएगा। आईएमए के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह। जी अनिल, जैसा कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख पौधे लगाने वाला है, तो इस विभाग को किसने लक्ष्य दिया था? ये देखिए, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल मानसून से पूर्व पौधा लगाने का लक्ष्य जो है वो सभी विभागों को वितरित किया जाता है। और इसी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की करीब 1.5 लाख पौधे जो है रोपण करने का लक्ष्य मिला है, और जिसमें आईएमए की अहम भूमिका रहेगी। आईएमए के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख पौधे लगाने जा रहा है, और उसके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। मोस्टली पौधे ऐसी जगह लगाए जाएंगे जहाँ पर उनका अच्छी से देखरेख हो सके और समय से पानी मिल सके, उसके लिए भूमि का चयन लगातार चल रहा है। और जी अनिल, देखरेख कैसे की जाएगी पौधों की? देखिए, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग पौधे गोद लेंगे, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो गोद लेंगे और उनके नाम से पौधा लगाया जाएगा, वो अपने पौधे की खुद स्वयं देखरेख करेगी। इसके अलावा भी एक टीम रखी जाएगी जो नियमित रूप से पौधों की देखभाल करेगी, उन्हें पानी वगैरह खाद वगैरह देनी दी जाएगी। और सारे जितने भी अभी जो परिसर जो चिन्हित किए हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जिला अस्पताल, उसके अलावा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, एडी कार्यालय, तमाम जैसी ऐसी करीब 40 से अधिक चिन्हित किए गए जहाँ ये पौधे लगेंगे। जी अनिल, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख पौधे लगाएगा, तो टोटल कितने लक्ष्य रखा गया है पौधे रोपित करने का? पौधे लगाने का भी तो 1.5 लाख पौधे का लक्ष्य उनको दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी विभागों को लक्ष्य किया गया है, जिनकी संख्या करोड़ में होगी। तो अब देखना ये होगा कि जहाँ तक पौधे बहुत लगते हैं लेकिन सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी कि पौधे सर्वाइव कर पाए और जो एनवायरनमेंट है उसको हरा भरा बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। और क्योंकि अब पौधे सड़प नहीं पाते और उससे पहले ही वो दम तोड़ देते हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि पौधे कितने पौधे लगाए जाने, देखना होगा कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, कितने पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। तो 2023 में आगरा जनपद में कितने पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं? आगरा जनपद में हर साल करीबन 10 लाख से अधिक पौधे लगाए का रोपण किया जाता है, और इस साल भी करीबन 10 से 20 लाख से अधिक पौधों के आसपास रोपण किए जाएंगे। हालांकि जब अगर पूरे मंडल का टारगेट की बात करें तो मंडल में करीबन 1 करोड़ के आसपास का लगता है। जी जी, ये बताइए कहाँ कहाँ पौधे लगाए जाएंगे? अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो जो स्वास्थ्य विभाग के जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और इसके अलावा जो जो इनके कार्यालय हैं अभी उनको चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही ऐसी भूमि का चयन किया जा रहा है जहाँ पर पौधों का अच्छे से सर्वाइव करने या पानी की व्यवस्था नजदीक न हो, तो उनकी उन जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है। वो कार्यालय के आसपास के बाहर के रोड भी हो सकते हैं, कार्यालय परिसर भी हो सकता है। जी अनिल, आगरा में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और कितने स्वास्थ्य केंद्रों में पौधे रोपित किए जाएंगे? देखिए, आगरा जनपद की अगर बात करें तो करीबन प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलाकर करीबन 80 से अधिक केंद्र हैं जहाँ पर ये पौधे रोपण होंगे। जी अनिल, जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी खासियत क्या है, एक पौधे की कीमत क्या है? ये पौधे की कीमत का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पौधा 5 रुपए से स्टार्ट होकर इसकी कोई कीमत नहीं है, 2 से 3 रुपए तक के होते हैं, डिपेंड करता है पौधा। मोस्टली ऐसे छाया कोशिश की जा रही है, छायादार और फलदार वृक्ष लगाए, ज्यादातर कोशिश ये है कि छायादार वृक्ष जो है वो लगाए जाएंगे। जनरल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर बता दें कि आगरा में स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख पौधे लगाने जा रहा है। बता दें कि आईएमए के सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। पौधारोपण को स्वास्थ्य विभाग भूमि का चयन कर रहा है। पौधों की देखरेख के लिए विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती है। अन्य विभागों ने भी पौधारोपण के लिए कमर कस ली है। वन विभाग की नर्सरियों में ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं।